ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई। मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। दिल्ली शराब नीति को लेकर आपके नेताओं पर वैसे ही गाज गिरी हुई है, तो वहीं आज ये भी कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसको लेकर पार्टी में खलबली मचती हुई दिखाई दी। तो वहीं अब ऊपर से बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। सुनिए क्या कहा इस मामले में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240, और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते हैं तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, यह वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं, और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। इसके बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, और देखना होगा इस मामले में आगे और बड़ी अपडेट क्या सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।